होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि प्रहलाद की याद में, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि ना बुराई का अंत हुआ था, सच्चाई की जीत हुई थी। और मतलब जब मतलब पहला देना मतलब विष्णु जी का अवतार था। और ये सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। हिरण्यकश्यप के घर में जन्म लिया था, तो ये मतलब दिन भर मतलब ना विष्णु जी का नाम लेता रहता था और उनकी उपासना और उनकी पूजा करता रहता था। तो इससे मतलब हिरण्यकश्यप मतलब ना जलने लग गया और उसे मतलब मारने की योजना बनाने लग गया। तो मतलब हर बार मतलब उसको मारता था लेकिन हर बार वो बच जाता था। और फिर उसने अपनी बहन से बात करी तो उसकी बहन ने कहा कि मुझे है ना आग में मतलब आग का वरदान मिला हुआ है कि मैं उसमें जल नहीं सकती। तो उसने कहा कि अभी होली का आएगी तब मैं उसको लेके बैठूंगी। तो उसने कहा कि ठीक है। तो फिर उसके अंदर होली का आई थी और वो लेके बैठी उसको आग के अंदर। तो लेकिन वो तो विष्णु जी का अवतार था और मतलब वो तो वही पूजा कर रहा था कि बार बार हम के उनका नाम ले रहा था। और जो वरदान की वजह से है ना प्रहलाद तो बच गया और होलिका मतलब मर गई आग के अंदर। और इसलिए उस दिन मतलब इसी याद में मनाते हैं क्योंकि उस दिन बुराई का अंत हुआ और सच्चाई की जीत हुई। आपका नाम? मेरा नाम रेखा है। भाई भारतीय संस्कृति क्या है, सनातन संस्कृति है और इसमें हिरण्यकश्यप एक नाम का एक राजा बहुत प्राचीन समय में हुआ था। वो अपना आप को स्वयं विष्णु का अवतार मानता था और वो कहता था भगवान को मत पूजो, मैं ही भगवान हूँ। उसकी इस अहम पराकाष्ठा के कारण उसने अपनी बहन को जो होलिका जो थी उसको ये वरदान था कि भाई वो अग्नि में बैठे नहीं जलेगी, परंतु ईश्वर की कृपा के कारण उसका ये वरदान, चूँकि हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था तो उसने कहा कि भाई तू प्रहलाद को लेकर के जो उसका पुत्र था वो भगवान विष्णु को मानता था और उसको भगवान नहीं मानता था। उसकी इसी कसम है उसने अपनी बहन जिसको अग्नि में नहीं जलने का वरदान था उसको और कहा कि भाई तू इसको लेकर के बैठ जा, तो तू तो नहीं जलेगी और प्रहलाद जल जाएगा और इसका अंत हो जाएगा और मैं फिर से मेरी जो पूजा है वो भगवान के रूप में मान्यता मुझे मिल जाएगी। इसी परंपरा के रूप में जब उसने अग्नि को समर्पित अग्नि में होलिका और प्रहलाद को बैठाया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। तो उसी संस्कृति के वो उसी संस्मरण को जिंदा रखते हुए यह आज तक चला आ रहा है कि उसी की याद में कि भाई होलिका को उसके मतलब अग्नि में जलने के कारण और प्रहलाद के बचने के कारण इस त्यौहार को मनाया जाता है और खुशियाँ प्रकट की जाती है। आपका नाम? करणवीर शर्मा, बड़ी नागपणी, अजमेर।